लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने पांच न्याय के जरिए युवा, महिला, किसान, श्रमिक, SC ST और OBC वर्ग के संपूर्ण विकास का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर A1 TV के वरिष्ठ संवाददाता कमल जैन की देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र पर मुहर लगा दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के दौरान मिले फीडबैक का साफ असर इस घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है। पांच न्याय के इस घोषणा पत्र में सभी वर्गों के विकास के लिए कुछ न कुछ वादा किया गया है। पांच न्याय में से आइए सबसे पहले आपको बताते हैं युवा न्याय के बारे में। इसमें कांग्रेस ने युवाओं का भरोसा जीतने के लिए केंद्र सरकार के कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। साथ ही प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष अप्रेंटिसशिप देने की बात कही है। घोषणा पत्र में पेपर लीक रोकने के लिए नीति बनाने, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी के तहत स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नारी न्याय के जरिए बड़ा वादा किया है। इसमें महालक्ष्मी योजना के जरिए प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आधी आबादी पूरा हक का नारा देते हुए केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही शक्ति सम्मान योजना के तहत केंद्र की ओर से देय आंगनबाड़ी के वेतन को 2 गुना किया जाएगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकार मित्र की नियुक्ति की जाएगी और कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फूले हॉस्टलों की संख्या 2 गुना की जाएगी। कांग्रेस ने किसानों की ताकत को और मजबूत करने के लिए किसान न्याय के जरिए उन्हें लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP को कानूनी दर्जा देने, ऋण माफी के लिए कर्ज माफी आयोग बनाने और फसल बीमा का भुगतान 30 दिन में करने का वादा किया गया है। किसानों के लिए सही आयात निर्यात नीति और खेती में काम आने वाले सामान पर GST हटाने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। देश के विकास में श्रमिकों का बड़ा योगदान है और इन्हें लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़े वादे किए हैं। स्वास्थ्य अधिकार के तहत मुफ्त डायग्नोस्टिक दवाएं, सर्जरी, पुनर्वास करने की बात कही गई है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए रोजाना करने का वादा किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए शहरी रोजगार गारंटी, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस ने अपने कोर वोटर्स यानी SC ST को फिर से अपने पक्ष में करने और OBC वर्ग में पकड़ बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी न्याय के जरिए बड़ी बातें अपने घोषणा पत्र में की है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना कराने, SC ST OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने, जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार SC ST के लिए उप बजट बनाने, जल जंगन जमीन का कानूनी हक दिलाने और जहां ST का सबसे बड़ा सामाजिक समूह है उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।